तो मैम मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप हमारी यूनिवर्सिटी में आए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अमेजिंग एक्सपीरियंस मतलब पहली बार नहीं आई हूँ मैं यहाँ पर पहले भी आई हूँ तो हर बार ये अच्छा लगता है और काफी सारी मेमोरीज यहाँ से हम लोग लेके जाते हैं ओके okay. मैम आपने अपनी लाइफ में किस पॉइंट पर सोचा कि आपको आरजे बनना है या आपका इस फील्ड में इंटरेस्ट कब आया ओके okay. सो so, वैसे मैंने कभी सोचा ही नहीं था यार मैं रेडियो जॉकी बनूंगी <laughs> मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत इंट्रोवर्ड जब होते हैं अपने स्कूल टाइम पे अच्छा जब हम स्कूल में होते थे या कॉलेज में होते थे तो हमारे जहन में बहुत सारी बातें चल रही होती थी कि शायद हम ऑन ऑन स्टेज शेयर करें और हमारे जो क्लासमेट्स हैं वो सुने है ना लेकिन कई बार लगता भी था कि यार लोग हंसेंगे रहने देते हैं तो वहीं हम इंट्रोवर्ट हो जाते हैं है ना तो मैंने भी कभी भी स्कूल में किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं किया था कभी भी ऑन स्टेज नहीं गई थी टीचर्स से तो बहुत दूरियाँ थी मेरी तो उसके बाद पता नहीं क्या था कि यार दिल में जितनी बहुत सारी जो बातें हैं ना वो अपने आप तक तो रखनी नहीं है आगे पहुंचानी है दसा बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स रहे हैं जिन्होंने मोटिवेट किया कि नहीं आपको जाना चाहिए आप करो कुछ ऐसा तो मुझे स्टार्टिंग से ही था जब स्टेज से इतना फियर है तो कहते हैं ना कि लोहा ही लोहे को काटता है तो वही चीज़ थी कि मुझे जाना है और लोगों तक अपनी बातें पहुंचानी है तो यहीं से एक बस एक ख्याल आया था कि रेडियो ज्वाइन करना है और मैंने इंटर्नशिप के थ्रू ही स्टार्ट किया था रेडियो एंड देन आज मैं रेडियो महारानी में रेडियो चौकी हूँ मैम हर चीज़ के साथ कुछ रिस्क फैक्टर्स भी जुड़े होते हैं सो वट आर द रिस्क यू फेस बींग एन आर ओके हाँ बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स थे बिकॉज सबसे पहले तो मैं इंट्रोवर्ड थी है ना जब आप इंट्रोवर्ट होते हो ना तो शायद आपके पास बोलने के लिए बहुत कुछ नहीं होता है है ना क्योंकि आपने कभी ऑन स्टेज पार्टिसिपेट नहीं किया होता है आपने किसी से कोई बहुत सारी बातें नहीं की होती है स्कूल में जब थी ना तो बस एक ही फ्रेंड थी अगर वो छुट्टी करती थी तो मैं भी छुट्टी करती थी क्योंकि मैं किसी और से बात नहीं कर पाऊँगी दस वाई बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स थे कि इंट्रोवर्ट हूँ कैसे बात कर पाऊँगी अगर कोई नॉन प्रोफाइल बैकग्राउंड से आ गया जैसे कि कई बार तो सेलिब्रिटीज़ होते थे तो उनके इंटरव्यू में हम लोग बहुत रिसर्च करते थे सर्च करते थे लेकिन जो जिसको हम नहीं जानते हैं उसका इंटरव्यू हम कैसे कर पाएंगे अच्छा आज मूड बहुत ख़राब है तो मुझे लगता है सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है ये ना कि जब मूड बहुत ख़राब होता है ना आपका और आप अपना शो करने के लिए आते हो सुबह सुबह बहुत ख़राब मूड में और आपको पता है कि शो करना है तो दिल में बहुत सारी बातें हैं लेकिन आपको अपना जो शो है वो बेस्ट देना है तो मुझे लगता है यहाँ पर हम लोग बहुत सोचते हैं लेकिन हाँ फिर भी अपनी सोच को साइड में रखकर हम अपना शो जो है वो ऑन एयर करते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो एक आरजे को हमेशा माइंड में रखनी होती हैं ओके सबसे पहले तो क्रिएटिविटी मुझे लगता है कि क्रिएटिव होना बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आप अपना जो कंटेंट अगर मैं एग्जांपल लूँ कि कॉन्टेंट uh, आप कहीं से कुछ ले रहे हो मोस्टली मुझे लगता है कि लोग जो है अदर साइट से कंटेंट लेते हैं लेकिन मुझे लगता है कि सबसे अच्छा कंटेंट हमें मिलता है पब्लिक के बीच से है ना तो अगर हम जो वो कंटेंट ले रहे हैं उसमें हम क्या ऐड ऑन कर रहे हैं क्रिएटिव होना बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको ऑन द स्पॉट कोई भी टॉपिक दिया जाए कई बार ऐसे होता है कि हमें बहुत ही जल्दी में पता चलता है अच्छा ये टॉपिक है आज ये कवर करना है या फिर ये न्यूज़ आई है आज इसको हमें शेयर करना है तो उसे हम अपनी बातों में कैसे मॉड्यूल करके आगे तक सर्व करें तो मुझे लगता है क्रिएटिव और साथ में ऑन द स्पॉट उनको आंसर देने के लिए रेडी रहना पड़ता है हमेशा जिस टाइम भी आप फ्री होते हो तो उस टाइम आप मतलब क्या करते हो ओके okay, मुझे जैसे कि लिखना बहुत अच्छा लगता है तो मैं लिखती हूँ और गाने सुनना मुझे बहुत पसंद है मैं गाने सुनती हूँ क्योंकि मुझे लगता है हर हर चीज़ से हमें कंटेंट ही तो मिल रहा है जी अपने करियर में अब तक आपका मोस्ट एसेंशियल एंड प्रीशियस कौन सा माइलस्टोन है जो आपने अचीव किया है ओके okay. सो so, uh, जैसे मैंने कहा कि मैं अपने स्कूल में ना बहुत इंट्रोवर्ट थी टीचर से डरा करती थी एक हमें हिंदी टीचर uh, हिंदी पढ़ाती थी एक टीचर उनसे मैं बहुत डरती थी और मुझे ऐसा लगता है स्कूल में शायद बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो गीत को जानते थे गीत को कोई नहीं जानता था कोई भी नहीं जानता था लाइक like, मैं नथिंग थी बहुत इंट्रोवर्ट थी तो जब मैं आर बनी मैंने एक रेडियो रेडियो में काम किया देन मुझे मेरे स्कूल से मेरे प्रिंसिपल का कॉल आता है कि आपको हम एज एन गेस्ट इनवाइट करते हैं अपने स्कूल में तो लाइक आई वाज लाइक मैं बहुत ऐसे थी कि लिटरली मेरा स्कूल मुझे बुला रहा है और जब मैंने अपने स्कूल में वापस आफ्टर ट्वेल्थ क्योंकि इस बीच में कभी नहीं गई थी तो जब मैंने कदम रखा तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक लाइफ टाइम मेमोरेबल मोमेंट था क्योंकि जहाँ जो टीचर आपको जानते नहीं थे जो स्टूडेंट्स आपको जानते नहीं थे उनसे आप बात कर रहे हो मिल रहे हो आप ऑन स्टेज हो और सबसे पहली बात मैंने अपने स्कूल के स्टेज पर किसी से बात की थी तो लाइक वो बहुत अच्छा एक मेरे लिए टाइम था rj, आप अपनी वॉइस को मेंटेन कैसे रखते हैं जैसे okay. कुछ दिक्कतें भी आती हैं बीच में तो कैसे मेंटेन रखते हैं आप uh, देखो वॉइस जो होती है ना वो हमें कई वॉइस ऐसी होती हैं जो गॉड गिफ्टेड होती हैं कुछ आवाज़ों पे हमें बहुत काम करना पड़ता है जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने अपने आवाज़ पे बहुत काम किया है मैंने बहुत स्टोरीज़ पढ़ी हैं और आप जैसे कह रहे हैं ना कि मेंटेन कैसे रखते हो हाँ मेंटेन रखना इम्पॉर्टेंट है कि आप गर्म और ठंडे का ख़्याल रखें कि आप बहुत ज़्यादा ठंडा ना पिए या बहुत ज़्यादा गर्म ना खाएं तो इनका ख्याल रखना पड़ता है आप डेली ओम चैंटिंग कर सकते हैं अगर अपनी आवाज़ को आपको और ख़ूबसूरत बनाना है और मैंने जैसे कि कहा पहले भी अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने कि लो पिच पर बात करिए आपकी वॉइस में बहुत अच्छा मॉड्यूलेशन आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए आप बिकॉज जितना आप सुनेंगे किसी को आप वहाँ से बहुत कुछ सीखेंगे तो इस तरह से अपनी आवाज़ का हम ख्याल रखते हैं और मुझे लगता है हर किसी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है मैम व्हाट स्किल डज अ पर्सन नीड टू इस्टैब्लिश अ करियर इन हिज प्रोफेशन ओके सो हम थोड़ी देर पहले ही भी बता रहे थे कि इस प्रोफेशन में डिस्कवरी चैनल पे जैसे कि बताया गया था कि आरजे की जो जॉब होती है वो सबसे पहले नंबर पे आती है मतलब ऐसा नहीं है कि जब आप रेडियो बैकग्राउंड में आते हो तो आपके लिए एक ही अपॉर्चुनिटी है कि सिर्फ आपको रेडियो जॉकी बनना है है ना इसमें भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे कि प्रोग्रामिंग हेड है कॉपी राइटर है कॉन्टेंट राइटर है तो म्यूज़िक मैनेजर है मुझे लगता है आपने सुना होगा पहले भी तो ज़रूरी नहीं है कि आप रेडियो जॉकी बने आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं जैसे कि आजकल तो वॉइस ओवर्स वॉइस आर्ट वॉइस ओवर आर्टिस्ट का बहुत ज़माना है लोग वॉइस डबिंग कराना पसंद करते हैं पॉडकास्ट बहुत ट्रेंड में है तो आपके लिए ना बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं तो कमी नहीं है आपके पास जॉब्स की

पढ़ना शुरू कीजिए सुनना शुरू कीजिए क्योंकि जब मैं इस दौर से गुजर रही थी ना जहाँ मुझे पता चला था कि अब मैंने रेडियो में कदम रख दिया है और मुझे आगे भी बढ़ना है कई बार ऐसे होता है कि आप कदम तो रखते हैं लेकिन बैक स्टेप ले लेते हैं बिकॉज ऑफ आपको लगता है कि यार बहुत ज़्यादा ना कुछ सीख नहीं पाएंगे तो इसके लिए आप पढ़िए सुनिए और बहुत ज़्यादा लिखिए जिससे कि आपकी वॉइस में ऑलरेडी बहुत मॉड्यूलेशन आएगा और टिप्स मैं यही देना चाहूँगी रेगुलर अपने आप को शीशे में देख के अपने आप से बात कीजिए बहुत अच्छा लगेगा आपको और यही टिप्स है मेरी लो पिच पे बात कीजिए ओम चैंटिंग कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए किसी को अच्छा आप लोग स्टूडेंट्स हैं अभी हम भी कभी स्टूडेंट्स थे तो मुझे ना मैं अभी थोड़ी देर पहले भी एक शेर बोलना चाहती थी तो मुझे वो याद नहीं आया था कि लचक के चलते थे शरारे जैसे थे नए नए थे हम भी तुम्हारे जैसे थे सो ऑल द वेरी बेस्ट जो भी लाइफ अपना जो करियर बनाना चाहते हैं रेडियो लाइन में तो आपके लिए बहुत कुछ है अभी आगे अभी तो शुरुआत की है ओके मैम थैंक यू सो मच मैम सो दीज वर सम क्वेश्चन डेट वी रियली वॉन्टेड टू नो अगेन थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू इट वॉज ग्रेट टू हैव थैंक यू सो वेरी मच और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके